इस टॉपिक पर ये वीडियो लास्ट होने वाला है। इसके बाद तो मैं आपको कोई और तरीका नहीं बताऊंगा कि आप ओप्पो न्यू से मेन ओप्पो A33 का हैंगिंग प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी तरीके का ऐप डाउनलोड करने को नहीं बोलूंगा, या फिर आपके पास जो फालतू के ऐप हैं उन्हें आप डिलीट कर दें ये भी नहीं बोलूंगा। तो आप वीडियो को लाइक करके एंड तक बने रहना। उससे पहले मैं आपको बताता हूं मैं आपको क्या बताने वाला हूं, ओप्पो A33 ओप्पो न्यू 7 का हैंगिंग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है वही बताऊंगा, लेकिन बिल्कुल अलग तरीका। तो मैं आपको बता दूं इस मोबाइल का जो हैंगिंग प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको अपने SD कार्ड में आपके जितने भी फोटो वीडियो कॉन्टैक्ट हैं सबका बैकअप बनाकर रख लेना है। उसके बाद आपको अपने फ़ोन को रीसेट करना होगा, फिर आपका जो हैंगिंग प्रॉब्लम है वो 200% सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम मोबाइल को यहाँ पर रीसेट कर लेते हैं। तो गाइस मैंने ये माइक कनेक्ट नहीं किया है, तो साउंड का क्वालिटी है कैसा आ रहा है वो ज़रूर बताना कमेंट करके। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोटो वीडियो का बैकअप अपने SD कार्ड में रख लेना है। उसके बाद आपको अपने फ़ोन के सेटिंग पर चलना है। सेटिंग पर जाने के बाद आपको यहाँ नीचे जाना है। थोड़ा सा नीचे जाने पर बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। बैकअप एंड रीसेट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको बैकअप नहीं रखना है, डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ इसे ऑन करेंगे तो बैकअप रह जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर मोबाइल हैंग होगा। तो आपको यहाँ रीसेट कर लेना है। रीसेट करने के बाद यहाँ पासवर्ड मांगेगा, आपको यहाँ 4 जीरो डालना है। देखिए यहाँ 4 जीरो लिखा हुआ है मेरा, तो मैं 4 जीरो डालूंगा। आपका जो भी यहाँ लिखा हुआ होगा उसी पासवर्ड को आपको यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे रीसेट करने के लिए उसी को एंटर कर लेना है। बैक करके आके देख कर एंटर कर लेना, उसके बाद इसे कन्फर्म कर लेना। उसके बाद आपका जो फ़ोन है वो रीसेट होने लग जाएगा। रीसेट होने में अभी फिलहाल 1 मिनट का टाइम लगेगा, 1 मिनट का टाइम है, तब तक लाइक सब्सक्राइब कर लेना। हम यहाँ वीडियो को जो है स्किप कर लेते हैं। ओके, तो अब आपके सामने कुछ इस तरह का आएगा। अभी भी आपका काम नहीं हुआ है, इसके बाद आपका फ़ोन जो है वो रीसेट होगा। अब जो है आपको 5 मिनट से 6 मिनट लगेगा रीसेट होने में आपका फ़ोन जो है वो, क्योंकि अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपका 10 मिनट लग सकता है। हमने यहाँ वीडियो को स्किप कर लिया है। उसके बाद रीसेट होने के बाद कुछ इस तरह का आएगा। आपको यहाँ देखना है आपका इंग्लिश सिलेक्ट है या नहीं। देखिए यहाँ इंग्लिश पहले से सिलेक्ट है, तो आपका भी ऐसे सिलेक्ट होगा। अगर नहीं सिलेक्ट है तो इंग्लिश सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है, एरो पर क्लिक करके उसके बाद आपका कंट्री यहाँ ढूंढ लेना है। जैसा कि अभी मैं यहाँ इंडिया सिलेक्ट करता हूँ, आपका जो भी कंट्री है उसे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ वाईफाई कनेक्शन करने को बोलेगा, वाईफाई कनेक्शन कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है, फिर से आपको नेक्स्ट करना है। फिर आपको अगर मेल आईडी वगैरह इस तरह आता है, बोलता है मेल आईडी देने को, तो आपको सिंपल से एक बार बैक बटन के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ देखिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है गेटिंग स्टार्टेड के ऑप्शन पर। फिर आपका जो फ़ोन है वो पूरी तरीके से रीसेट होकर आ जाएगा। आपको जितने भी ऐप्स वीडियो फोटो होंगे सारे डिलीट हो जाएंगे। इसलिए मैंने पहले कहा है कि आप अपने फ़ोन का बैकअप रख देना, बैकअप फाइल अपने मेमोरी में रख लेना, उसके बाद जाकर रीसेट करना। बैकअप नहीं रखना है, बैकअप के तौर पर वीडियो फोटो को रखना है। उसके बाद फोन को रीसेट कर देना है, फिर आपका जो हैंगिंग प्रॉब्लम है वो 200% सॉल्व हो जाएगा।